जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस वक्त दीक्षा भूमि परिसर में हूँ और मेरे साथ में एडवोकेट प्रफुल्ल भालेराव सर है, जो कि आवाज़ इंडिया में है। प्रफुल्ल भालेराव सर, ये बताइए कि बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है, खास करके मैं युवाओं की बात करूँगा। ये जो सवाल है आपका, अगर से बौद्ध धर्म का हम इतिहास सब समझते हैं, उसके बाद प्रचार और प्रसार की जो बात, मुझे लगता है ये काफ़ी मात्रा में हो रहा है। जिस तरीके से पूरा हम देखते हैं कि चाहे पूरा अगर से आप धरती का अवलोकन करते हैं, चाहे फिर वेस्टर्न कल्चर भी बोलिए या फिर स्कैंडिनेविया के देश बोलिए, जिस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर की तरफ लोग आ रहे हैं, एथिज्म का जिसको नास्तिकतावाद बोलते हैं वो बढ़ रहा है, तो ये बुद्धिज़्म मुझे लगता है एक तरीके से पॉजिटिव वे में अपने दिशा में वो चल रहा है। हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म एशिया को एक वक्त में इसने लाइट दिया, और ये एशिया से निकल से आप देखते हैं, हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो खैबर खंड से होते होते अफगानिस्तान के वादियों से होते होते ये पूरा मक्का मदीना तक गया, जिसके सिम्टम्स और जिसके एविडेंस आज भी मिलते हैं। और पाकिस्तान के स्वात घाटी से लेके तो हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा एक बेल्ट है जिसको आप बोल सकते हैं अफगानिस्तान, यहाँ पे भी अगर से आप भग्नावशेष तलाशेंगे तो आपको सबूत मिलते हैं। दिक्कत ये बात है कि जो आज हम देख रहे हैं, जो आपका प्रश्न है कि प्रचार प्रसार नहीं हुआ, मानवता का हमेशा से प्रचार प्रसार होता है, और एक गुट होता है जो अमानवीय एंगल से सोचता है वो उसको रोकता है, और कभी मानवता हावी होती है, कभी अमानवीय शक्ति हावी होती है, क्योंकि बुद्धा ने ही बोला है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो शक्तियाँ अपने पास संसाधनों को रखने की कोशिश करती है उनका एक वर्ग, और जो शक्तियाँ इक्वलिटी की बात रखती है उनका एक वर्ग, जैसा 1956 का हम रिवोल्यूशन देखते हैं, ये जो क्रांति है ये एक दुनिया की महान क्रांति है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से भी बड़ी है। तो अभी दुनिया के लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एनालिसिस 1956 की धम्म क्रांति से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रचुर मात्रा में इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। हो सकता है हमारे ज्योग्राफिकल सर्कमटेंसेस में नहीं हो रहा है, पर ये तमिलनाडु से लेकर तो केरला तक, केरला से लेकर तो आप जाएंगे तो पूरा का पूरा ये जो बेल्ट है, और पूरा आप देखेंगे तो पूरा तंजावुर का जो बेल्ट है, विशाखापट्टनम से लेके तो आप जो पुराना मद्रास है जिसको मैसूर वगैरह हम जो देखते हैं, हम यहाँ पर प्रचुर मात्रा में लोग साइंटिफिक टेम्पर के साथ जा रहे हैं और विज्ञान के तरफ बढ़ रहे हैं लोग। नहीं, हमारा देश तो वैसे भी जो है विज्ञान का ही देश बोलूँगा मैं, जहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, ऐसे ये भारत देश है। और पहले अगर वैज्ञानिक अगर कोई हो गए तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध है। देखा जा रहा है कि युवाओं में जिस प्रकार से बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, ये मेरा सवाल है। आप जैसा युवाओं की बात करते हैं तो किसी भी प्रचार और प्रसार के लिए एक वातावरण की निर्मिति होती है। युवाओं को वो वातावरण अगर से मिलता है, जैसा आप देखिए प्रकृति भी उसी वक्त कमल को ब्लॉसम करती है जब एक पर्टिकुलर सेंटर में कमल का फूल उससे अंकुरित होता है, तो जो अंकुरित होता है वो मानव का मस्तिष्क भी है। अगर से युवा है तो उसका अंकुरण, अगर से उसका एटमॉस्फेयर, उसके एंसिस्टर वो वातावरण नहीं दे पाए, मुझे लगता है अगर से आप जिस लहजे में प्रसार की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको जो पुरानी पीढ़ी थी वो किस तरीके से बुद्धिज़्म को युवाओं के पास रख पाई, वो उसको भी तलाशना पड़ेगा। युवाओं को ही हम बोलेंगे कि वो जवाबदार है, ऐसा नहीं। अगर से वो वातावरण बनता है जो अंकुरण की मैंने बात किया, जो इवोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ, यानी एक इवोल्यूशन के प्रोसेस में आप भी हैं मैं भी हूँ, ये प्रकृति भी है। अगर से दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, धूप है तो छाव है ना, ये जैसा कनेक्शन है वैसा ही मुझे लगता है कि अगर से निगेटिव आप बोल रहे हैं कि प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, पर मुझे लगता है युवाओं को अगर से वो वातावरण आप दे पाएंगे, अगर से वो वातावरण उनको मिलेगा, तो इसका सचमुच में भी इतिहास में हमको इसके मिलते हैं सबूत कि उस वक्त भी एक तरीके से प्रचार प्रसार होके सात समंदर पार तक चले गया उस काल में भी। मेरा ये सवाल मैंने इसलिए किया कि कैसे अपने जो युवा है, बच्चे है, वो हर संडे टू संडे सप्ताह में एक बार बुद्ध विहार जाना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, लेकिन नहीं करते।
मोबाइल में रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन दिन यानी सप्ताह में एक दिन भी वो बुद्ध विहार नहीं जाते हैं जहाँ से बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, आपका जो सवाल है उसके सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। यानी देखिए, विहारों में अगर से युवा नहीं जाते हैं, आप जैसा पूछ रहे हैं, तो जो युवाओं का आज का जो नीड है, अगर से उसका जो युवाओं को जो उपयोग का चीज़ है वो शायद उनको विहारों में हम दे नहीं पाए। जैसा आज डिजिटल युग हो गया है तो हमने विहारों में डिजिटल चीज़ें प्रोवाइड नहीं की है। जैसा प्रोनाउंसिएशन की बात है या म्यूज़िक की बात है, बुद्धिज़्म एक इतना लचीला धर्म है कि ये भाषाओं के परे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो युवाओं की साइकोलॉजी है और जो विहारों के संभालने वाले लोगों की साइकोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं आपस में तालमेल में नहीं हो रही है, इसलिए आने वाली जनरेशन विहारों से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जैसा युवाओं को अगर से आप समझ लीजिए, जितनी भीड़ लाइब्रेरी में बुद्ध विहार से लगे हुए लाइब्रेरी में होती है, उतनी भीड़ वंदना में नहीं मिलती है। पर अगर से आप वहाँ पे साइंस विज्ञान और बुद्धिज्म का जो इतिहास है, जो एक सिलेबस छूट गया है युवाओं तक आने के लिए, अगर से उसको उनको समझा पाए, उसके रियल कोर के जो वैल्यूज को समझा पाए, जैसे बुद्धा हमेशा हैप्पीनेस की बात करते हैं, बुद्धा हमेशा हंसने की बात करते हैं, बुद्धा ने टीचर की एक डेफिनेशन दी है, यानी गुरु की, मॉन्क्स की, एक बुद्धा की सिंपल डेफिनेशन है कि चार गुण उन्होंने बताया है कि किसी भी टीचर के, किसी भी ओरिएटर के, किसी भी इतिहासकार के, या किसी भी धार्मिक गुरु के, जिसको आप बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, उनकी चार क्वालिटी बुद्धा ने बताया है। वो चार क्वालिटी वाले अगर से भिक्खु हम तैयार कर पाए, या वो तैयार है या नहीं है, ये संशोधन का विषय हो सकता है। बुद्धा का पहला कंडीशन रहा है कि बौद्ध भिक्खु की जो होती है वो खासियत ये होती है कि वो हमेशा हंसता रहे, उनको मिलके लोगों को खुशी मिले कि, और उनके लिए मिलने के लिए जो युवा है वो लालायित रहे कि ये भिक्खु हमारे गली से आए है ना, ये हमारे गलियारे से गुजरे, ये हमारे लाइब्रेरी से आए। दूसरी क्वालिटी बुद्ध बताते हैं कि वो कम से कम कन्फ्यूज हो, यानी कम मीथ और कम इगोस्टिक कम हो, यानी उसमें अहंकार नहीं हो, उसमें किसी भी तरीके से लालसा ना हो, या वो मानव को मानव समझे। तीसरी क्वालिटी बुद्ध बताते हैं कि उसको दुनिया का कम से कम ज्ञान हो, कि जिस तरीके से अभी मिडिल ईस्ट जल रहा है, तो हमारे जैसे विहारों के जो बौद्ध भिक्षु है, क्या वो मिडिल ईस्ट के बारे में उनकी पढ़ाई है क्या, लेबनान जल रहा है, फिलिस्तीन जल रहा है। और चौथी और अंतिम क्वालिटी वो ये बताते हैं कि उनको मिलके लोगों को खुशी का एहसास हो। तो ये जो चार क्वालिटी है, ये क्वालिटी अगर से विहारों में हम किसी गाइड के द्वारा या बौद्ध भिक्षु के द्वारा अगर से हम अपने युवाओं को देंगे, तो उनका माइंड कल्टीवेट होगा और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी होगी और एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा। आपका एक ही कहना है कि एक ही शब्द में कहना चाहूंगा कि आपका एक ही कहना है कि बुद्ध विहार भी डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। इस मेन स्ट्रीम दुनिया में जब G20 हो रहा है, एक बटन पे आपको पूरा दुनिया का हिस्ट्री मिल रहा है, विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, इतना आपको आ रहा है, तो आपका हम जो बात कर रहे हैं तो भी तो डिजिटल है ना। आज से 10 साल पहले यहाँ तो जितने कैमरे यहाँ के द्रविडियन नागवंशीय अम्बेडकराइट मीडिया ने खड़ा किया, तो ये तो एक अल्टरनेटिव मीडिया हमने खड़ा किया ना। आज आपको और मुझे युवा सुन रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो प्रश्न है युवाओं के प्रश्न है वो, तो कहीं ना कहीं अगर से उनके आंसर को हम समझ कर, उनके क्वेश्चन को समझ कर हम अगर से बात कर पाए, हमारे लफ्ज़ों, हमारे अल्फाजों के द्वारा, हमारे शब्द रचनाओं के द्वारा, हम क्या बात करते हैं, हम किस तरीके से पेश करते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन क्या होता है, हम अभी मीडिया के माध्यम से जो ये सेकेंड मीडिया भारत में एक अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हुआ है, डिजिटल मीडिया खड़ा हुआ है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया की साइकोलॉजी हमने देखे कि देश भर में मीडिया था पर दीक्षा भूमि जैसे जो परिसर है, हमको दूरदर्शन के अलावा यहाँ कोई नहीं दिखता था, पर आज यहाँ पर सैकड़ों चैनल है जो मानवता के लिए मानवीय एंगल से सोचते हैं। तो युवा समझ रहा है और इसका जल्दी से जल्दी हमको एक तरीके से परिणाम भी मिलेगा। जिस तरीके से बुद्धिज्म परिणाम की बात करता है, वो समीक्षा की बात करता है, वो चिकित्सा की बात करता है, वो परीक्षा की बात करता है, आपको अगर से नॉलेज है तो आप लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, बुद्धिज्म वो बात करता है। तो युवाओं को अगर से आपके पास नॉलेज है, विहारों में नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव होगा और अंधकार जो आज आप बात कर रहे हैं ये प्रकाशमय होगा, जिस तरीके से रात के अंधेरे को चीरकर सूरज की पहली किरण निकलती है और दिन के उजाले में तब्दील होती है, वैसे ही हमारे बातों से भी उजाला आएगा। तो ये थे हमारे साथ में, मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेट प्रफुल्ल भालेराव सर, जो कि आवाज़ इंडिया में आप हर बार इनका यानी बुद्ध के बारे में हर बार वो बताते हैं और अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल के लिए आपने इतना कीमती वक्त दिया। तो आप देखते रहिए
29 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।